हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आज मैं हिंदी में क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरा रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में वीडियो बनाने से अच्छा रहता है हिंदी लैंग्वेज में। बहुत सारे लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं सोची कि आज मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ। तो आज लक्ष्मी पूजा का, कोजागोरी लक्ष्मी पूजा जो कल हुआ है, उसका आज विसर्जन है। मेरे दीदी के घर में मैं आई हूँ यहाँ पर लक्ष्मी पूजा के लिए, तो आज उसका विसर्जन है। तो इसीलिए उसका एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे खेला होगा, मतलब गेम्स होगा यहाँ पे, लाइट, कैंडल लाइट जलाना उसका, फिर बहुत सारा और भी गेम्स होगा जो आप लोगों के साथ मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोग मेरा वीडियो जो है देखते रहिए, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। कैसा लगा ज़रूर बताना। ये लक्ष्मी भगवान, कल जो पूजा हुआ, कल का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं हुआ, सॉरी दोस्तों, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, यहाँ पे बहुत गेस्ट आए हुए थे दीदी के घर में, तो फिर पूजा हुआ, अंजलि हुआ था, तो बहुत ही बिजी थे सब लोग, तो मैं भी बहुत बिजी थी, इसीलिए वीडियो करना नहीं हो पाया। तो आज विसर्जन है माँ का, तो मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखिए माँ का मूर्ति जो है, माँ का दर्शन कीजिए, और उसके बाद में विसर्जन के पहले बहुत सारे गेम्स होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कैंडल रखा हुआ है यहाँ पे, डाल रखा हुआ है, तो डाल मिला के कौन कितना चुन सकता है यहाँ पे, फिर कैंडल कितना जला सकता है, ये कंपटीशन होगा, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कैंडल जलाने का कंपटीशन शुरू हो चुका है, दीदी अब कैंडल जला रही है, तो कितना तो कैंडल वो जला पाती है अब देखते हैं। उन्होंने 9 तो कैंडल जलाया है, अब और एक दीदी आ चुकी है, वो भी जला रही है कैंडल। कौन फर्स्ट होता है, कौन जीतता है, वही देखने का बारी है। मैंने भी कैंडल जलाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं ज़्यादा जला नहीं पाई, सिर्फ 6 ही जला पाई थी मैं। 9 तो लास्ट रिकॉर्ड हुआ है, अब देखते हैं ये आंटी कितना जला पाती है। ये आंटी आखिरी है, तो ये अगर 10 तो जला दी तो फिर ये जीत जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने 10 तो जला दिया है, तो ये जीत चुकी है, फर्स्ट प्राइज इन्हीं को जाएगा। लास्ट में अम्बा दीदी जला रही है, लेकिन वो भी 9 से ज़्यादा जला नहीं पाई। बहुत ही मज़ा आ रहा था ये खेल में। अब जो है सबका आंखों में पट्टी बांधा जाएगा। अब 5 टाइप के डाल रखा गया है, कौन डाल क्या है, कौन सा डाल क्या है, वो टच करके बताना है। जो बता सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट डाल बता पाए, कौन सा डाल क्या है, जो बता पाएगा वही जीत जाएगा।
देखिए आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा हिंदी में। और ऐसे मज़ेदार ब्लॉग पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। मैंने ये गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये बड़े लोगों का गेम था तो इसीलिए बड़े लोग ही पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पे ये दीदी ने चाटो डाल का नाम सही बता दिया था, इसीलिए ये दीदी फर्स्ट बन गई, जीत चुकी थी ये। इन्होंने पांचों डाल में से चार डाल का नाम सही बोला था, सही पहचाना था। अब बच्चे लोगों का गेम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारा फल रखा हुआ था जो कि उन लोगों का आँखों में पट्टी बंधा हुआ था, उन लोगों को पकड़ के बोलना पड़ता है बड़ा कि क्या फल है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सब गेम में पार्टिसिपेट करके, बच्चों लोगों का गेम देख के। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। अब यहाँ पे बच्चे लोगों का दूसरा गेम स्टार्ट हो गया जो कि पासिंग द टॉय था। इसमें भी देखने में बहुत मज़ा आया ये गेम भी, बहुत आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा देख के। I'm sorry.
आखिरी में छोटी सी गुड़िया सोनामा ये जीत गई। हम लोग इसको सोनामा बोलते हैं, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, सबसे छोटी बच्ची लेकिन जीत गई। इसके बाद हम लोगों का बड़े लोगों का गेम स्टार्ट हुआ, बैठ के पासिंग द टॉय, वही सेम टॉय था जिसको हम लोग पास कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था गेम को खेलने में। एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? आप कौन बोले? माता जी। माता नहीं, तेरा बाप बोल रही हूँ। आखिरी में ये गेम जब हुआ तो मैं इस गेम में जीत गई थी। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने दो गेम में पार्टिसिपेट किया था, एक तो कैंडल लाइटिंग में और एक तो मैं ये में। तो कैंडल लाइट तो मैं ज़्यादा जला नहीं सकी थी, 6 जलाई थी, इसमें मैं जीत गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत मज़ा भी आया था और मुझे एक तो बैग गिफ्ट मिला था। अब जो है भगवान का विसर्जन का टाइम हो गया है, सब गेम ख़त्म हो जाने के बाद भगवान को ये लोग 5 फेरे लेके फेरे लिए, उसके बाद भगवान को बोरन किए। भगवान का विदाई का समय हो गया था लक्ष्मी माता का, तो बहुत ही दुख हो रहा था। 2 से हम लोग बहुत इन्जॉय किए, उसके बाद अब भगवान को विसर्जन दे देना पड़ेगा, वो चले जाएंगे, तो बहुत ही दुख लग रहा था। ये देखिए पान पत्ते से बोरन कर रहे माता को। सब लोग ने ऐसे करके बोरन किया, फिर हम लोग ने लक्ष्मी माता से दुआ किया कि वो दोबारा फिर से हम लोग के घर आए। ऐसे करके फिर विसर्जन के लिए हम लोग चले गए, सामने में एक जो तालाब था वहाँ पे विसर्जन कर दिए, घट विसर्जन करके फिर हम लोग घर वापस आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, करंट ऑफ था, इसलिए घर आके फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डांस किए, सिंदूर खेला हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा डांस किया। आज का वीडियो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।